नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i न्यूज़। मध्य प्रदेश के दतिया चिरूड़ा पुलिस ने मवेशियों से भरा एक ट्रक पकड़ा है और चार पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। चिरूड़ा पुलिस ने ग्वालियर झांसी हाईवे से उत्तर प्रदेश जा रहे एक ट्रक को चेकिंग के दौरान पकड़ा। ट्रक से करीब 17 मवेशी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट। थाना चिरूड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक भैंसों से भरा हुआ वाहन ललितपुर से होता हुआ धौलपुर तरफ को कटने को ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाने के पास में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक RJ 11 13 का ट्रक रोका। उसमें पीछे भैंसे पड़े जो है वो क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे। जो आगे चालक और जो मालिक थे उनसे पूछताछ की गई, जिनके द्वारा उनके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। भिंड पुलिस कंट्रोल रूम में एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को महिला तथा बच्चों के विरुद्ध अपराध की समीक्षा, अप्राकृतिक मृत्यु के प्रकरणों में पुलिस कार्रवाई, CRPC के प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। मीटिंग में जिले के समस्त पुलिस अनुभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारी उपस्थित रहे। भिंड से विवेक सिंह राजावाद की रिपोर्ट। भोपाल के बड़े तालाब में एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। गोताखोरों को युवक का शव ढूंढने में लगभग 2 घंटे लग गए। काफी मशक्कत के बाद युवक का शव मिला। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भोपाल से भज्जी सिंह की रिपोर्ट। भोपाल नगर निगम को 2 हिस्सों में बांटने के विरोध में भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति दर्ज करने के लिए महापौर बस से कलेक्ट्रेट पहुंचे। महापौर के साथ भाजपा के पार्षद भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। भोपाल से भज्जी सिंह की रिपोर्ट। भोपाल को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है, इससे कहीं ना कहीं शहर का विकास अवरुद्ध होगा। भारत सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ से अधिक की राशि भोपाल नगर निगम को उपलब्ध कराई है, जिसमें 50% भारत सरकार ने दिया है, 33% का अंशदान राज्य सरकार ने दिया है, 17% का अंशदान नगर निगम भोपाल को इसमें मिलाना था। नगर निगम भोपाल एक स्वायत्त संस्था है, टैक्सों पे आधार पे चलने वाली संस्था है। राशि हमारे पास नहीं थी, इसके लिए हमने बॉन्ड जारी किए हैं, तब जाकर हमने 175 करोड़ रुपये की राशि मिलाई है, तब जाकर हमारे सीवेज के काम चलना है, जल वितरण नलिकाएं बिछाई जा रही हैं, लोक परिवहन में लगभग 40 करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। इस निर्णय से कहीं ना कहीं ये सारे विकास के कार्य अवरुद्ध होंगे। बालूमा थाना के बुकरू गांव के कई घरों में करीब 3 महीने से बिजली नहीं है। बता दें कि बुकरू स्टेशन के पास निर्माण कार्य के दौरान बिजली वायर JCB के द्वारा कट गई थी, जिससे गांव में बिजली सप्लाई होना बंद हो गई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बिजली विभाग लातेहार तथा बालूमा थाना और मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों को बिजली नहीं मिलने से बच्चों को पढ़ाई बाधित हो रही है, कृषि क्षेत्र में भी काफी नुकसान हो रहा है। बालूमत लातेहार से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। 3 महीना से बिजली यहाँ पे गुम है, जो कि यहाँ पाइपलाइन के काम हो रही थी, उसी टाइम से यहाँ केबल काट दिया गया है, जिसके कारण 3 महीने से यहाँ बिजली का ये बाधित। सीधी कलेक्टर ने अचानक ही जिला अस्पताल का दौरा कर दिया है। कलेक्ट्रेट के दौरे से अस्पताल में कर्मचारियों और अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इस अस्पताल में 4 दिन पहले लेबर बोर्ड की छत पर कुछ महिलाएं और पुरुष गिरने से घायल हो गए थे। कलेक्टर ने अस्पताल की छतों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी कमी देख कलेक्टर ने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार और PIEU के सभी इंजीनियर पर कार्रवाई का आदेश दिया है। सीधी से BP सिंह की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ के जमात मंदिर व जल मंदिर परिसर में शरद पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि जमात मंदिर एवं जल मंदिर में शरदो महोत्सव 2 दिनों तक मनाया जाता है। जमात मंदिर के गर्भगृह में प्रतिमाओं की स्थायी झांकी के साथ ही श्री राम लक्ष्मण के नागपात में बंधे जाने एवं गरुण द्वारा मुक्ति तथा राधा मीरा की कृष्ण में निश्चल भक्ति के साथ ही राम दरबार अखाड़े की सजावट, हनुमान प्रतिमा की झांकी भी सजाई जाती है। मंदिर के पुजारी दीप दंत शर्मा के अनुसार यह पर्व 1949 से मनाते आ रहे हैं। नरसिंहगढ़ से संकल्प मिश्रा की रिपोर्ट। मंदिर से जमात में पिछले 7 दशकों से परम पूज्य गुरुदेव महंत सिंह नंदराम दास जी के मार्गदर्शन में शरद पूर्णिमा महोत्सव, यदि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2 चुनिंदा शहर ही दिखेंगे जिनमें शरद पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आज का दिन विशेषकर भगवान श्री कृष्ण का
जो वृंदावन उन्होंने राज किया था, इस राज के ऊपर आज पूरा ये परिसर आपके सामने सजा हुआ, पहली झांकी आपने देखी होगी चलित के रूप में, तो मेघनाथ द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण का नाग पास किया गया था, उसको गरुड़ी के माध्यम से मुक्त किया गया। उसी ओर आप आएंगे तो राम दरबार जो आप देख रहे हैं, सुंदर सजावट परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 108 जननी एम्बुलेंस के 45 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हर राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हो, जिससे वे एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसी सिलावट एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी उपस्थित थे। बता दें कि प्रदेश के 51 जिलों में 737 संजीवनी 108 जननी एम्बुलेंस वाहन संचालित हैं, जिनमें से 2.5 लाख किलोमीटर चल चुके अथवा 5 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके वाहन हैं। 50 वाहनों को नए वाहनों में बदलने की योजना है। भोपाल से भज्जी सिंह की रिपोर्ट। चंदेरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन सरस्वती विद्या मंदिर से प्रारंभ हुआ और जहां जहां से निकला, नगर के लोगों ने फूल रंगोली बनाकर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख सौरभ कुलकर्णी ने सांधिन्य में निकाला गया। पथ संचलन जागेश्वरी मोहल्ला, रघुनाथ जी मंदिर, सदर बाजार, हाट का पूरा से होते हुए हरकुंड कृष्णा मैरिज गार्डन में समाप्त हुआ एवं पथ संचलन को सफल बनाने में चंद्र प्रकाश मिश्रा, सुनील धींगरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चंदेरी से पृथ्वीराज शेषा की रिपोर्ट। छतरपुर जनसुनवाई में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जनसुनवाई के दौरान अधिकारी अपने मोबाइल फोन में वीडियो गेम्स खेलने में व्यस्त रहे। जनसुनवाई के दौरान लोग परेशान होते रहे। चाटरपुर से मनीष तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।